इसके लिए मैं ले रही हूँ 1/4 सरसों का तेल। आम की ये मीठी चटनी सरसों के तेल में ही अच्छी लगती है, इसलिए मैं इसके लिए सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सरसों का तेल जब अच्छे से धुआं छोड़ने लगे उसके बाद ही अपने मसाले हम डालना शुरू करेंगे। सरसों का तेल अब अच्छे से धुआं छोड़ने लगा है, अब हम अपनी आँच थोड़ा धीमी कर देंगे। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे मेथी दाना, जीरा, सौंफ 2 टीस्पून, साबुत लाल मिर्च, 4 साबुत लाल मिर्च डाली है मैंने इसमें 2-2 टुकड़ों में बांट के। अब इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून लाल मिर्च और 2 टीस्पून मैं इसमें देगी लाल मिर्च भी डाल रही हूँ। अब ये 1.5 कप आम मैं इसमें डाल रही हूँ। आम को हम पहले थोड़ी देर सौते कर लेंगे। टीस्पून नमक डाल रही हूँ मैं। डेढ़ कप हमारा आम था उसमें 1.5 कप ही गुड़ डाल रही हूँ। वन फोर टीस्पून इसमें हींग डाल रही हूँ। अभी हम इसमें 2 टीस्पून विनेगर डालेंगे। विनेगर से एक तो गुड़ का क्रिस्टलाइजेशन रुकेगा, दूसरा ये प्रिजर्वेटिव का काम करेगा और तीसरा इसके टेस्ट को और एनहांस करेगा। अभी हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि हमारे आम पक ना जाए। हमें 2 चीज़ चेक करनी है, एक तो एक हमारे आम पक जाने चाहिए ठीक से और दूसरा जो हमारी चाशनी है वो एक तार की हो जाए। अभी हम चेक करते हैं। अभी इसमें थोड़ी कसर है, इसे थोड़ी देर और हम पकाएं। अगर आप इस चटनी को तुरंत खाना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें एक दाल की चाशनी बनाएं, लेकिन अगर आप इसे ज़्यादा दिन के लिए रखना चाहते हैं तो आप चेक कर लें कि इसमें एक दाल बन गया है। ये देखिए एक दाल बन गया है, थोड़ा सा चिपचिपा सा हमें लगने लगे तो समझो ये एक दाल बन गया है। आम की मीठी चटनी तैयार है। ये परांठे के साथ बहुत टेस्टी लगती है। 3 महीने तक आराम से इस चटनी को आप सुरक्षित रख सकते हैं और मज़े से खा सकते हैं।